मेरा आवाज आ रहा है? आपका नहीं आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? जबरदस्त। अच्छा, हम लोग इसरो के वैज्ञानिक और मैडम आपके विज्ञान का दिल दिल से सलाम करते हैं, लेकिन मैडम एक चीज हमारे पास है, आपके पास है जो विज्ञान से ताकतवर है। क्या है वो? ना, दिल बोलो स्वामी जी, दिल बोलो। दिल, दिल, दिल है, दिल। तो इससे पहले कि मैं आपको, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है बांटने के लिए, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा दो। लेकिन कहानी सुनने से पहले वो क्या है, सुबह मैं 2:30 बजे का उठा हूं और 2:30 बजे चेन्नई से चला हूं यहां तक, तो मेरा कान थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे, मैं खाली बोलूंगा जय हिंद, और आपने जय हिंद बोलना है इतना जोर से कि ये शामियाना फट जाए। जय हिंद। ब्रिलियंट। सबसे पहला वाला कहानी, ये बातचीत बंद। बातचीत बंद, आवाज नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये कहानी है साल 2003 का, जब मैं आज के तारीख पे मैं मेजर जनरल हूं। उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट कर्नल होता था, और ये कहानी है जम्मू के इलाके का, और कहानी एक जवान का है, ताकि आपको पता चले कि दिल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उन दिनों में ये मोबाइल फोन किसी के पास था नहीं, और हमारे जो यूनिट था वो कई जगह पर फैला हुआ था, तो मुझे सीटी नहीं बजेगा बीच में, तो मुझे किसी से खबर मिला कि फलाने गांव में 4 उग्रवादी आए हैं। तो मैंने उस कंपनी कमांडर को खबर दिया कि फलाना गांव 4 उग्रवादी गो। ये सिर्फ प्लान था जाने का। ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तजुर्बे से पता लगता है कि आज ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने उस वक्त हमारे यूनिट में जो डॉक्टर साहब थे उनको भेजा है, जो पलटन का एक घातक टोली होता है, सबसे तगड़े जवान, उन जवानों के साथ मैंने डॉक्टर साहब को भिजाया। अभी हमारे डॉक्टर साहब के बारे में एक बात, उनके हमारे पलटन में आए 5 दिन हुए थे, बिल्कुल नए थे, कच्चे थे, कमजोर थे, थोड़े मोटे थे, थोड़े डरे हुए से थे, वो ऐसे रहते थे दिन भर क्योंकि डर था उनको। डर इसलिए था क्योंकि उनके साथ जो 6 जवान गए थे वो सब सिर्फ हिंदी बोलते थे। डॉक्टर साहब मेरी तरह मद्रासी थे, वो या तो सिर्फ कन्नड़ बोलते थे या तो इंग्लिश, हमारे जवान सिर्फ हिंदी बोलते थे, तो डॉक्टर साहब को डर था। दूसरा, जो मेरा मौजूदा पोजीशन था वहां से जिस गांव में उग्रवादी थे 6 घंटे का पैदल का रास्ता था, हमें पहाड़ी के नीचे उतरना था, दूसरा पहाड़ी चढ़ना था, पहाड़ी फिर उतरना था, एक छोटा नदी पार करना था, और फिर आधे रिज के ऊपर गांव का फैलाव था। 6 घंटे लगते थे। तकरीबन 4:30 बजे मुझे खबर लगा, और वो खबर
किसी भी लीडर को इससे ज्यादा दुख वाला खबर हो ही नहीं सकता है। खबर मुझे यह लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। क्यों खराब लगता है? जो लीडर लायक है, जब उसके टीम में या उसके टोली में किसी को चोट लगता है या कोई घायल होता है, तो मेरे परिभाषा में वो लीडरशिप का फेलियर है। मुझे ये रैंक क्यों प्राप्त है? मुझे ये औहदा क्यों प्राप्त है? आपको क्लास का मॉनिटर क्यों बनाया गया है? ताकि आप क्लास को, आप स्कूल को, पाठशाला का देखभाल कर सके। अगर मेरे नेतृत्व के दौरान और मेरे नेतृत्व में कोई शहीद या घायल होता है, तो हो सकता है वो मेरी लापरवाही हो, और वो लापरवाही फेलियर है। तो मुझे खबर लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। मैंने हमारा जो क्विक रिएक्शन टीम होता है, QRT जो बोलते हैं, उसको लेकर के भाग के निकला वहां से। 9:30 बजे डॉक्टर साहब का हमारा जो रेडियो सेट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज आया कि साहब अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे डर किस बात का लगता है? डर अंधेरे का लगता है? डर इस बात का लगता है कि आप जा रहे हो ऐसे इलाके में जहां पर बाकी जवानों को आप जानते नहीं हो। डर इस बात का लगता है कि शायद आप उस काम के काबिल ना हो जिसके लिए आपको भेजा गया है। डर उस बात का लगता है कि कहीं से गोली ना आए और मुझे ना लगे। डर इन बातों का लगता है। डर इस बात का लगता है कि मैं पलटन का डॉक्टर हूं, ये मेरे पलटन में पहला हफ्ता है। अगर कोई जवान शहीद हो गया है तो हो सकता है मेरी गलती हो। डर इन बातों का लगता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को उस वक्त खींच के डांट मारा है, क्योंकि डर का कोई जगह हमारे जिंदगी में या आपके जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मैंने बोला मेरे को दोबारा कोई मैसेज नहीं चाहिए आपसे। तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर साहब का फिर मैसेज आया, बोला साहब मैं पहुंच गया हूं जवान के पास, लेकिन जहां भी काट रहा हूं वहां पर खून है। अब ये डॉक्टर साहब सिविल से आए थे, 5 दिन हुए थे, उन्होंने कभी किसी को गोली से जख्मी होते हुए नहीं देखा था। तो जब वर्दी काट रहे थे इंस्पेक्ट करने के लिए, तो सारा शरीर खून से लथपथ था। उनको आदत नहीं था इस बात का। तो उन्होंने बोला साहब पूरा खून है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उस टाइम खींच के मारा डांट और बोला डॉक्टर साहब आपका काम सिर्फ और सिर्फ हमें जिंदा रखना है, बस। ये जवान मर नहीं सकता है, इतना मैंने बोला है। और 5 मिनट के अंदर मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। जैसे मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा है, ट्र करके आवाज आया, AK-47 का फायरिंग का आवाज ऐसे ही होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 5 बार गोली लग चुका है। मैं अभी भी खड़ा हूं आपके सामने, स्टेज से कूद के भी आ सकता हूं, आपके साथ पीटी भी कर सकता हूं। तकलीफ मुझे भी होता है, तकलीफ उन हर जवानों को होता है जिसको लगता है गोली। लेकिन मैंने बोला एक चीज है जो विज्ञान से ताकतवर है, दिल। उस दिल से चलता है ये फौज और इस फौज से चलती है ये देश। तो ये याद रखना है आपने। तो हम लोग उस गांव में 5 दिन रहे थे, कुल 5 दिन, क्योंकि गांव में जहां उग्रवादी छुपना चाहता है, कई जगह खोज सकता है जहां छुप सकता है। तो हर घर, हर कमरा, हर वो खेत, हर वो ट्यूबवेल, हर वो स्टोर हाउस, हर वो गोदाम, हर वो जगह ढूंढ ढूंढ के हमें 5 दिन लग गए थे। और उस 5 दिनों के दौरान
पांच हमें अलग अलग जगह पर उग्रवादी मिले। दूसरा दिन सुबह एक हेलीकॉप्टर आया था और जो हमारा जवान जो घायल हुआ था उसको लेकर के अस्पताल चला गया। छठे दिन हम लोग वापस आए और सबसे पहला सवाल मैंने जो अहदेदार से पूछा कि साहब बंदा कैसा है, तो जवाब मुझे यह मिला कि साहब दो दिन से अस्पताल से बात हो नहीं पाया है। मेरे परिभाषा में और आपके परिभाषा में कोई बहाना देना मंजूर नहीं होना चाहिए। अच्छे नागरिक वो होते हैं जो सुझाव ढूंढते हैं, जो मसले को हल करते हैं। लेकिन उसने बोला कि साहब दो दिन से बात नहीं हुआ है, मैंने मरा बड़ी डांट। ताजुब होगा, जब डांट भी अच्छी लगती है साला टेलीफोन भी चलना लगता है। तो टेलीफोन चला, मैंने अस्पताल से बात किया है। अस्पताल में जब आईसीयू से कनेक्ट हुआ, अस्पताल में जो नर्स ड्यूटी पर थी उसने ये बात मुझे बताई, मैं आपको बताना भूल गया। जब हमारा बंदा अस्पताल ले जाया गया हेलीकॉप्टर के अंदर, उसके पेट के अंदर के हिस्से जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो पॉलिथीन बैग में साथ डाला गया। पॉलिथीन बैग में हेलीकॉप्टर के अंदर उसके साथ। तो उसको चोट इस प्रकार से आई जो नर्स ने मुझे बयान किया था, मैं आपको बताता हूं। ये 2003 की बात है, 16 साल हो गए पूरे, 17 होने को आ रहे हैं। उसने नर्स ने बोला कि साहब उसके जो लेफ्ट वाला फीमर है, जो फीमर होता है जो थाई का सबसे बड़ा हड्डी होता है शरीर का, वो दो जगह पर फ्रैगमेंट हो गया। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जो पेंसिल है जब आप तोड़ते हो तो दो हिस्सों में टूटता है। फ्रैगमेंट का मतलब ऐसे, जो पेंसिल अगर 8 या 10 हिस्सों में टूटे वो फ्रैगमेंट है। तो उसका ये जो थाई बोन था दो जगह पर फ्रैगमेंट हो गया था, इसीलिए डॉक्टर साहब जहां भी काट रहे थे उनको नजर आ रहा था खून। ज्यादा से ज्यादा गोली उसको लगी बाएं हाथ पर। क्यों? जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हम पहनते हैं वो सामने होता है पट्टी लोहे का चादर, पीछे होता है लोहे का चादर, एक पतला चादर होता है पेट के लिए, एक पतला होता है गर्दन के लिए, ऊपर और साइड में खुला है। गोलियां लगे उसको साइड में। अगर आपने गोली नहीं देखा है आज तक तो मैं आपको बताता हूं। पेंसिल दिखाओ अपना, पेन दो, वेरी गुड। जो गोली का आगे वाला हिस्सा होता है इतना ही होता है और इतना ही पतला होता है। जब गोली लगता है बंदे को और बंदा पड़ा हुआ दिखता है आपको, अगर आप खोजोगे कई बार आपको गोली के निशान नजर नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब गोली 2 या 3 लगते हैं एक साथ, शरीर से सीधी लाइन में नहीं गुजरते हैं। गुजरता ना तो सीधा चाहिए, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाता है शरीर के अंदर। अगर आपका किस्मत खराब है, 2 गोली अगर शरीर के अंदर आपके टकराते हैं तो 2 गोली 4 टुकड़े में हो जाएंगे या 6। अगर आपका किस्मत ज्यादा खराब है और उसमें से कोई टुकड़ा आपके किसी हड्डी को लगता है तो हड्डी का भी एक पीस निकल आता है। अब ये 7 या 8 पीस सफर करते हैं शरीर के अंदर से, तो जो 3 छोटे छेद यहां पर होते हैं जब यहां से निकलता है तो बड़े बॉल के छेद में निकलता है। इसीलिए उसके पेट के अंदर के हिस्से को हमने पॉलिथीन में पैक करके भेजा हेलीकॉप्टर में। सबसे ज्यादा चोट उसको ऊपर आया छाती में, जब पैर में गोली लगा होगा तो वो गिरा है। अब पहाड़ी में 20 मीटर 25 मीटर कितना नीचे गिरा है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब गिरा है तो उसका छाती किसी बड़े पत्थर के नुकीली चोट पर पड़ा है और यहां उसे चोट आई। तो जो लोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफड़े जो रिब्स है, तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे। और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं,
तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया, और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? और जैसे डॉक्टर साहब लोग आमतौर पर होते हैं, ये नर्स ने बोला, सर मैं नहीं जानती हूं। तो हम लोग जो वर्दी पहनते हैं थोड़े, मैं बोला ना, दिल से करते हैं हम काम, दिल से। तो मैंने अपने सोच में, मुझे ये लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं 1 सेकेंड, तो हमारे जो 1000 जवान हैं उनका जो मन का शक्ति है, जो दिल का शक्ति है, वो मैं उस तक भेजूं टेलीफोन के थ्रू। मैंने नर्स को बोझा, क्या मैं बात कर सकता हूं उससे? तो उसने बोला कि साहब 6 दिन हुए, इसने आज तक बात नहीं कही है। इसके आंखें खुले तो है, लेकिन ये क्या सुन सकता है, क्या महसूस कर सकता है, क्या बोल सकता है, मैं नहीं जानती हूं। मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो? तो उसने बोला हाँ। तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसके कान के पास रखा। मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निम्बराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निम्बराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकेंड गुजरे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुने ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था, फोन मैं रखने वाला ही था। एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया, इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो, कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। ये होता है सेल्फलेसनेस, ये होता है किसी और को त्याग करने का काबिलियत। अगर आज के तारीख पे तिरंगा लहराता है गर्व से हवा में, ऐसे लोगों के वजह से लहराता है। यही वो सांस है जिससे ये देश जीता है। और इसी जवानों के वजह से मैं हमेशा कहता हूं, मुझे 5000 जन्म दे दो, मैं दोबारा यही वर्दी पहनूंगा। कौन करो? ओके, ये तो कहानी नंबर 1 था। अभी जो मैंने बातचीत करना था उसके लिए आपको वेलकम है। यहां से चलेगा मेरा माइक? ये भी चलेगा? नहीं चलेगा। थोड़ा उधर चलेगा? नहीं चल रहा यार वो लैपटॉप। कुछ तो चला है। चलो मैं इस तरफ आता हूं। तो पहली बात तो यह है कि यह बातचीत नहीं है, ये लेक्चर नहीं है। मेरे पास कोई कागज नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। ये तो मैं आपसे पॉइंट लूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो दिल खोल के बोलो, अगर किसी को बोलना है तो आपको पूरा छूट है। मैं ये जंप मार के अंदर आ जाऊंगा, आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? संजय किसका नाम है? संजय खड़े हो जाओ। मुझे कैसे पता संजय आपका नाम? आपने पूछा था। चलो
आपने पूछा था। करेक्ट, मैंने आपसे पूछा था आपका नाम संजय। तो संजय मुझे बताओ, आपको किसी भी दुनिया में कोई भी इंसान का क्या अच्छा लगता है बेटे? कोई भी इंसान, कोई भी चीज क्या आपको अच्छा लगता है उसके बारे में? उसका दिल। किस? नहीं नहीं, दिल दिल मतलब प्यार से बात करे या फिर जो व्यवहार करे दूसरों के साथ, क्या अच्छा लगता है? व्यवहार से। व्यवहार आपको लगता है वो अच्छे आदमी अच्छे लगते हैं जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फैंटास्टिक। आप बताओ। उसका व्यवहार से। अरे व्यवहार तो हो गया, आगे? उसका माइंड से। उसका माइंड से, दिमाग ठीक होनी चाहिए। आप बताओ। उसका माइंड ठीक होना चाहिए। माइंड ठीक होना चाहिए, माइंड ठीक हो जाएगा। आप बताओ। उसका दिल से। उसका दिल, अच्छा दिल बड़ा पॉपुलर हो गया, वेरी गुड। उसका व्यवहार अच्छा। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कितने लोगों को ये अच्छा लगता है कि किसी को बोलने का शक्ति चाहिए? आपको आपके अध्यापक या टीचर में क्या अच्छा लगता है? आप बताओ। स्वभाव। स्वभाव, बिहेवियर, वेरी गुड। अच्छा तेजस कौन है? तेजस आप इधर आ जाओ, कम। आपको क्या अच्छा लगता है? टीचर में। टीचर में, हाँ। उसका ज्ञान। टीचर का ज्ञान अच्छा लगता है, फैंटास्टिक। तेजस के लिए जोर से ताली बजाओ, वेरी गुड। आपको क्या अच्छा लगता है टीचर में? वो पढ़ाते हैं और जो ज्ञान देते हैं वो। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है टीचर में? टीचर का ये पढ़ाने की टेक्निक। पढ़ाने का टेक्निक, ओके। आप खड़े हो जाओ। या स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। उसका पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका, आपके नाक वाला बाली भी बहुत अच्छा है, ओके। उसका व्यवहार। उसका व्यवहार। आप लोगों को आपके आपके टीचर में कितने ऐसे टीचर हैं? ओके, मैं पिछली बार आया था ये शिविर में, बातचीत बातचीत बातचीत, नहीं नहीं, आपको बात करना है आप मुझसे करिए, बीच में नहीं। मैं पिछली बार यहां पर आया था तो एक 8 साल की बच्ची ने मुझे बोला था कि मुझे टीचर में, जब मैंने पूछा ये सवाल तो उसने बोला, सर मुझे मेरा टीचर, मेरी टीचर बहुत पसंद है। क्यों? मेरी टीचर बहुत करुणामय है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके टीचर एक्चुअली में करुणामय है तो ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी है। तो मैं जितने टीचर्स बैठे हैं आगे पीछे जहां भी बैठे हैं, मेरी वाइफ भी टीचर है वैसे, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने टीचर हैं वो सारे करुणामय हो, ओके। अभी मेरे को ये बताओ, जो आपको दूसरों में अच्छा नहीं लगता हो। सर मुझे लगता है कि एज ए अगर हमें इंसान बनाया गया है, अगर हमें इस दुनिया, बात करते रहो, हाँ, खाली देख रहा हूं। ठीक सर, अगर हमें इस दुनिया में पैदा किया और हम इंसान हैं, भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएचर है, तो हमें सब पे दया दिखानी चाहिए, अभी पोलाइट रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। करेक्ट यार, इंग्लिश ज्यादा बोल गया तो। पोलाइट रहना चाहिए। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो ध्यान रखे, दूसरों को आदर दे, दूसरों को इज्जत दे, दूसरों के साथ दयालु पेश आए, किसी और का मदद करे। तो ये चीजें आम तौर पर लोगों को अच्छे लगते हैं, ओके। अब हम सीधा आते हैं, इसको थोड़ा वहीं आना पड़ेगा मेरे को। या यहां से चलता है तो ये तो हो चुका। अभी अभी मुझे बताइए, किसी संस्था में सबसे जरूरी क्या चीज है? शिक्षा। शिक्षा, ओके। और क्या जरूरी है? ये तो सिर्फ आवाज है। किसी संस्था में अगर आवाज हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ आप बताओ। संस्कार। ओए क्या बात है यार, प्लीज स्टैंड अप,
Very good. क्या नाम है आपका? दत्तरिया निधि. Very good. दत्तरिया निधि. Very good. तो निधि निधि का जवाब है संस्कार. संस्कार बड़ा जरूरी है, पैसा भी बड़ा जरूरी है, लोग भी बड़े जरूरी हैं, रिसोर्सेस भी बड़ा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी क्या है? मैं एक पढ़े लिखे आदमी का बताऊंगा. आप स्क्रीन पे पढ़िए, आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है. किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक विद्वान पढ़े लिखे ने आदमी ने बोला है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन लीडरशिप जरूरी है. तो ये शिविर जो चल रहा है आपका, इसका लीडर कौन है? धर्मबंधु, स्वामी धर्मबंधु. तो स्वामी जी का ये शिविर को चलाने में कितना जरूरी है, कितना जरूरत है भाई, कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा है. अगर स्वामी जी नहीं होते तो शायद ये शिविर ही नहीं होता. कहानी खत्म, सिंपल. तो क्या आप स्वामी धर्मबंधु के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं? टेल हिम, टेल हिम. ग्रेट. लीडरशिप से आप क्या समझते हो? अगर आपको मैं पूछूं कि लीडरशिप का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे? लीडरशिप का डेफिनेशन. ये मोरबी, मोरबी से कौन आया? मोरबी, आप मोरबी वाला एक आ गया हो. मोरबी एक आदमी मोरबी का आगे भेजो. ये पिंक ड्रेस किसका है? तो एक खड़ा हो जाओ, आप इधर आओ. आप आओ, कम आगे आओ. लीडरशिप का मुझे डेफिनेशन चाहिए. हाँ, माइक में बोलो. जो हमारे लीडर कहते हैं उसके आप, जो हमारे लीडर हमको आज्ञा देते हैं वो मानना और उसे उसके पालन करना. करता है आपके लिए? मैनेजमेंट करता है. लीडर मैनेजमेंट करता है. लीडर वो है जो किसी को राह दिखाता है. थैंक यू. जो गाइडेंस देता है. लीडर वो है जो आपको सिखाता है. लीडर वो है जो आपको बांध के रखता है. लीडर वो है जो आपके साथ काम करता है. और सबसे बड़ा लीडर वो है जो आपके लिए अपना जान देने के लिए तैयार है. ये लीडरशिप के डेफिनेशन है. लेकिन कई डेफिनेशन है, मैंने तो कुछ बोला है आपके लिए. ये मैं एक लीडर वो है जो सपना दिखाता है आपको, सपना भी दिखाता है और सपने को पूरा करने का रास्ता भी दिखाता है. लीडर वो है जो दूसरों को मदद करता है. लीडर वो है जो बदलाव लाता है अपने जिंदगी में, अपने समाज में, अपने देश में. लीडर वो है जिसके साथ चलने वाले कई लोग होते हैं. लीडर के लिए एक टीम जरूरी है. प्रोत्साहन. लीडर वो है जो किसी और को प्रोत्साहित करे. अभी आप सब लोग इस साल शिविर में आए हो. मैं चाहता हूं कि आप वापस जाओ और अगले साल 10 और बच्चों को प्रोत्साहित करो कि आप भी जाओ शिविर में, कुछ और सीख के आएंगे. वो होता है प्रोत्साहन. इनिशिएटिव. हिंदी में ये शायद सबसे खूबसूरत शब्द है. इनिशिएटिव का मतलब हिंदी में पहल. पहल से निकला है
पहला इनिशिएटिव का मतलब वो है, अगर आप आपके बगल में एक छोटा कागज का टुकड़ा देखते हो तो आप प्लीज इंतजार मत करो कि आपको कोई उस्ताद या वर्दी में जो है या आपके टीचर बताएंगे इसको साफ करो। यह शिविर आपका है। अगर आपको कचरा दिखता है तो प्लीज उसको उठाओ और डस्टबिन में डालो। ये होता है इनिशिएटिव। भरोसेमंद लीडर वो है जो भरोसेमंद हो, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। गुरु बता दिया हमने, बात किया गुरु के बारे में। आदर्श, आदर्श बनना बड़ा मुश्किल है लेकिन आदर्श बनो अगर हो सकता है तो। ये किसका फोटो है? करेक्ट, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने एक बात, कई बात बोला है महात्मा गांधी जी ने जो हमें पालन करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा जरूरी चीज है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि कोई बदलाव चाहिए आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके स्टेट में, आपके देश में, आपके इस शिविर में, तो कोशिश करो वो बदलाव बनने का। अगर आप बनोगे तो यह देश बदलेगा। जब यह देश बदलेगा तब हम खड़े होकर के दुनिया के सामने बोलेंगे कि मेरा भारत। लेकिन चेंज, बदलाव आपने करना है, हम सब उसमें शामिल हैं। हम यह नहीं बोल सकते कि बदलाव तुम करना, मैं बाद में देखूंगा, स्टार्ट हमने करना है। ग्रेट। अच्छा तो दूसरा कहानी बताऊं अभी आपको? ओके, अभी इसके लिए स्टेज पे जाऊंगा मैं। ओके, आवाज नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल। मैं शुरू तब करूंगा जब बिल्कुल आवाज बंद हो जाएगा। बिल्कुल सांस की आवाज नहीं चाहिए मेरे को। ओके, ये कहानी है एक जवान का। मैं पलटन में उस टाइम पर यंग ऑफिसर था, शायद 2 साल नौकरी थी मेरी, और ये जवान नया नया आया था, लेकिन सबसे अलग था ये, बिल्कुल सबसे अलग। पहली बात तो जितने जवान थे ये उन सबसे लंबा था। दूसरी बात, ये जवान कोई गलती नहीं करता था। तीसरी बात, मुझे ये बताया गया कि जो सबसे समझदार और काबिल बच्चे हैं हिंदुस्तान के वो इस शिविर में है। तो मेहरबानी करके उस सोच के काबिल बनिए। तो ये जवान सबसे अलग था। 2 महीने के अंदर जितने अभी तक हमने बातें की लीडर क्या होता है, सिर्फ 2 महीने में वो उस पात्र के लायक माना गया, वो लीडर बन चुका था। लोग उसको देखते थे और उम्मीद करते थे कि वो उनको मदद करे, वो उनको रास्ता दिखाए। ये 2 महीने के अंदर है। सबसे पहले मौका आया, हमारा एक परीक्षा होने वाला था जिसमें हमने 4 दिन चलना था। वो परीक्षा पहाड़ी इलाके में था, 30 kg वजन लेके हमको चलना था। तो जब हम चल रहे थे तो बीच में एक घोड़े वाला, जो गांव वाला है जो घोड़े लेके चलता है अपने देसी घोड़े, खच्चर या घोड़े, वो जा रहा था। तो हमने सोचा हमें तो कोई देख नहीं रहा है, हम चोरी क्यों नहीं करें,
हमने बोला कि हमारा जो सामान है उतारते हैं, उस घोड़े के ऊपर रखते हैं, उसको 100 रुपए देते हैं, वो 4 किलोमीटर ले जाएगा। हम सब ने पिट्ठू उतारा अपना, मैंने भी उतारा है, लेकिन जमींदार खान ने नहीं उतारा है। क्यों नहीं उतारा है? क्योंकि उसने बोला, साहब ये परीक्षा है और मैं अपना पिट्ठू नहीं उतारूंगा। तो एक जवान 2 महीना नौकरी का, वो एक, मैं उस टाइम पर ऑफिसर था, 2 साल नौकरी थी मेरी, वो मुझे सबक सिखा रहा था, किसमें? ईमानदारी में। ये होता ईमानदारी, सही चीज करना जब कोई हमें देख नहीं रहा है। तो ये पहला सबक था। एक दिन बाद जब हम एक जगह पर रुके थे, चलने वाले थे, तो एक पुराना जो सीनियर उस्ताद था, उसने बोला, साहब रेडियो सेट, जो रेडियो सेट हमारा होता है मोटरोला जो आप देखते हो लोगों के पास, वो गुम हो गया था उससे, तो वापस जाना था 6 घंटे पैदल, पहाड़ी इलाके में कोई भी तैयार नहीं था। जब हम सब उसको गाली दे रहे थे कि तुम्हारे वजह से छूटा है ये रेडियो सेट, एक आदमी खड़ा हुआ है जाने के लिए वापस 6 घंटे, जबकि हम 3 दिन पैदल चल रहे थे तब तक। ये जवान था जमींदार खान, उसने अपना पिट्ठू उठाया, बोला सर मैं जाके ले आता हूं। ये दूसरा सबक था। दूसरा सबक क्या? कि अपने टीम के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो वापस गया वो। इत्तेफाक से हम 1 घंटे करीब पैदल चले थे, तो सड़क, वो जो रास्ता था उसके ऊपर पगडंडी, उसके ऊपर रेडियो सेट मिल गया, हम लेकर के वापस आए। कंपटीशन में हम फर्स्ट तो नहीं आ सके, लेकिन हमने 2 बहुत जबरदस्त जिंदगी के लिए सबक उससे सीखा था, उस जवान से। वापिस आए, 2-3 महीने और गुजरे, और समय आया था जमींदार खान को पहली बार फौज में आने के बाद पहली बार घर जाने का। वो मुझसे बात करता था अक्सर, उसके 2 ही सपने थे, ये काफी साल पहले की बात है। उसने उसके माताजी के लिए, मदर के लिए एक घड़ी खरीदना था। सो आई एम श्योर यू अप्रिशिएट अ लेडीज वॉच ही वॉन्टेड टू बाई फॉर हिज मदर। कैंटीन से लेडीज का घड़ी अपने मदर के लिए। दूसरा चीज मिक्सी, जो मिक्सर ग्राइंडर अभी आजकल सबके घरों में होता है, उन दिनों नहीं होता था, वो अपने माँ के लिए वो मिक्सी खरीदना चाहता था, और अपने पिताजी के लिए काले वाले चमड़े के जूते। इतने ही जमींदार खान के सपने थे उस टाइम पर। उसका छुट्टी जाने का समय आया और वो छुट्टी गया। शाम को 6 बजे मुझे फोन आया रेलवे स्टेशन मास्टर से, जैसे छोटा गांव है वैसे ही छोटा स्टेशन था, 2 ट्रेन चलती थी वहां से। स्टेशन मास्टर का फोन आया और मुझसे स्टेशन मास्टर ने बोला कि सर बहुत मेहरबानी, स्टेशन में आग लग गया था लेकिन आपके जवानों ने मदद किया, और मैंने किसी जवान को नहीं भेजा था मदद के लिए। तो जब उसने आग बोला था, तो हम सब QRT लेकर के, मैं खुद गया था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग रूम था, उसके बगल में होटल भी था छोटा सा, उस होटल के वजह से गैस सिलेंडर या बिजली का शॉर्ट सर्किट आग लगा था, और पूरा जो वेटिंग रूम है वो फुल जला हुआ था। हमारे आने से पहले 2 फायर इंजन वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने पानी डाल डाल कर आग को बुझा दिया था, क्योंकि आग लग गई थी, रेलवे स्टेशन के लाइटें बंद हो चुकी थी, अंधेरे का टाइम था। जैसे मैं वेटिंग रूम के अंदर जाने लगा, तो पूरा धुआं था, कहीं शॉर्ट सर्किट का बिजली हो रहा था, कहीं पानी टपक के करके पानी जैसे भाप होता है एकदम गर्म तवे पे, वैसा हो रहा था। ये माहौल था उस कमरे में, पूरा धुआं था। हमने सब ने रुमाल गीला करके रखा था अपने पास। मैं अंदर जाने वाला ही था, दरवाजे से एक आदमी आया दूसरे कमरे से अंदर, और उसके कंधे पर एक और इंसान था, आदमी था, औरत था, उस वक्त हमें नहीं मालूम था। तो नजदीक आया तो मैंने देखा जमींदार खान। उसने सबसे पहले
उस इंसान को मेरे हाथ में दिया है, वो एक यंग लेडी थी, एक जवान औरत, तकरीबन 22 या 23 साल, वो होश में नहीं थी। उसने मुझे दिया है, मैं जमींदार खान को रोकने ही वाला था, उसने बोला साहब छोटा बच्चा है, और वो भाग चला अंदर। अंदर गया है, तकरीबन 2 या 3 मिनट बाद वो एक छोटे बच्चे को लेके आया, पूरा लपेटा हुआ था, जैसे ये मान लो ये कपड़ा। अभी इतने गंभीर हालात में उसका दिमाग फिर भी चल रहा था, उसने या तो पर्दा है पर्दे को खींचा था, या तो जो बेडशीट था वो बेडशीट को बाथरूम के बाल्टी में उसने पानी में भिगोया था, और उस बच्चे को पूरा लपेट दिया था उसके अंदर, पूरा फुल, मतलब बच्चे का हमें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन गीला था वो, और उस बेडशीट को गीला करने के वजह से वो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी मतलब एक बाल भी नहीं जला उस बच्चे का। बच्चे का उम्र था 6 या 7 महीने। जब जमींदार खान बाहर आया था ये बच्चा देने हमें, तो उस वक्त उसके सिर पर एक चोट था, उसका कमीज फटा हुआ था, यहां से खून निकल रहा था, और नीचे से कमीज थोड़ा जला हुआ था। बच्चे को दिया उसने, उसने बोला साहब एक आवाज आ रहा है, मैं जा रहा हूं, और फिर वापस गया है। अब मैं वापस क्यों उसके साथ उस वक्त गया नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है मैं उस जितना बहादुर नहीं हूं या था, हो सकता है मैंने सोचा कि मेरे को बाहर रह करके बाकी को काबू करना है, हो सकता है मेरा दिमाग चला ही नहीं, लेकिन मैं उसके साथ तीसरी बार ही उस कमरे के अंदर जा नहीं सका। इस वक्त तक हम सब बाहर खड़े होकर के खांस रहे थे, लेकिन वो फिर गया अंदर तीसरी बारी। जब मुझे थोड़ा सा अकल आया तो मैं भी जाने लगा, तो ऊपर से एक जो लकड़ का वो बीम होता है वो बीम गिरा और हम जा नहीं सके आगे। लेकिन 2 मिनट बाद एक और इंसान को वो लेके आया उठा के, ये एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत बिल्कुल बेहोश थी और उसका बाएं हाथ जला हुआ था। उसको इसने छोड़ा जमींदार ने मेरे पास, और छोड़ने के 1 मिनट के अंदर जमींदार बेहोश हुआ है, मेरे हाथ में बेहोश हुआ है। जमींदार खान को तो हम ले गए बाहर, हमारा जब यूनिट गया था QRT गया था, तो MIR मेडिकल डॉक्टर वगैरह सब जाते हैं उसकी गाड़ी में। जो ये 3 लोग थे, एक नानी थी, उसकी बेटी और उसकी बेटी, सबसे छोटी का उम्र 6 या 7 महीने था और नानी का उम्र तकरीबन 65 साल। एक ईमानदार इंसान के वजह से 3 लोग उस दिन बचे हैं। जमींदार खान 2 दिन अस्पताल में रहा है, लेकिन उसके शरीर में 75% बर्न हुए थे, मतलब 75% जल गया था शरीर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं उसने इनहेल किया, जो सांस ली उसने कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो गर्म धुआं उसने इनहेल किया है, उस धुआं के वजह से उसके फेफड़े अंदर से जल गए, और ये जलन के वजह से 2 दिन बाद जमींदार खान शहीद हुआ। शहीद होने से पहले मैं उसको मिला था अस्पताल में, उसके हाथ में छोटा वाला फोन था, उन दिनों नए नए छोटे वाले फोन आए थे, जैसे आप लोग यूज करते हो वैसे, महंगे वाले नहीं, बिल्कुल सस्ता छोटा फोन। उस फोन पर मैंने देखा कि जो लास्ट 3 कॉल उसने मारा था वो मुझे मारा था, लेकिन कोई काम होने की वजह से मैंने वो फोन उठाया नहीं। मरने से पहले उसने एक बात बोला मुझे कि साहब मेहरबानी करके घर पे मत बताओ कि मैं कैसे मरा। तो फौज में एक रिवाज होता है, अच्छे यूनिटों में एक अच्छा एक तरतीब होता है, एक रिवाज होता है, जहां पर हम फौजी को अपने आखिरी सफर में अकेले नहीं भेजा करते।
हम साथ चलते हैं उसके, तो क्योंकि वो मेरे करीब और पसंदीदा था और होनहार जवान था, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे नियुक्त किया है जमींदार खान के साथ उसके आखिरी सफर में जाने का। और मैं गया उसके साथ, मैं जानता नहीं हूँ यहाँ राजस्थान से कोई है तो, बाड़मेर जिला में एक गांव है खलीफों की बावड़ी, तो खलीफों की बावड़ी में मैं गया था उसको लेके। मुझे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने आदेश दिया था, आदेश नहीं एक गुजारिश था कि जले हुए शरीर को रिश्तेदारों को देखने मत देना, देखने में बड़ा ठेस पहुंचता है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो हम गए, तो मगरिब या दोपहर और शाम के नमाज के बीच को मगरिब का नमाज कहते हैं, तो मगरिब के नमाज का टाइम था। जब जमींदार खान को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, ये हम नहीं सोच रहे थे कि जमींदार खान एक स्पेशल जवान था, ये पूरा गांव पूरा ब्लॉक समझ रहा था कि यह स्पेशल है, क्योंकि उसके आखिरी सफर में कम से कम 500 या 600 लोग हाजिर थे। छोटे गांव होते हैं रेत में, 50-60 लोगों का कस्बा होता है, लेकिन इतने लोग आए थे उसके आखिरी रास्ते में, आखिरी सफर में। तो अजान का वक्त था, नीचे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी और कब्र में जमींदार खान को दफनाया जा रहा था। तब उसकी मदर फातिमा भी, उसकी नाम है, छोटी सी है, वो भीड़ से बाकी आई, मैं ऐसा ही वर्दी पहना हुआ था, वो मेरे इधर से आई और मेरा वर्दी को पकड़ के उसने फाड़ा, ये बटन दो मेरे टूट गए जब उसने फाड़ा, क्योंकि वो माँ है, माँ का दर्द सिर्फ माँ ही जानती है। उसने फाड़ा और उसे मुझसे पूछा, क्रोध में, दुख में, शौक में, जितना चोट एक मदर या फादर को पहुंचता है उसका हम एहसास नहीं कर सकते, सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उसने उस वक्त मुझसे पूछा कि बता मेरा बेटा मरा कैसे। उस टाइम पर मुझे यह पता चला, आपने बोला संस्कार, तब मुझे पता चला कि जमींदार खान के पास जो संस्कार थे वो आए कहां से। जमींदार खान के पिताजी निकले भीड़ से बाहर, उस रेत में वो बिल्कुल सफेद, मतलब एक एक दाग या धब्बा नहीं था, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बहुत लंबे थे, मतलब मेरे से तो 4-5 इंच और लंबे थे वो, बिल्कुल, मतलब जो रेत में लोग बाहर धूप में काम करते हैं वैसा शक्ल था उनका, मतलब टाइट। वो पहले तो आए, उन्होंने अपने वाइफ के कंधे पर हाथ लगाया और उसको पीछे किया है, और ये एक आम गांव में रहने वाला इंसान है और मैं एक फौज का ऑफिसर था उस टाइम, गया था ऐसे वर्दी में था, तो वो आए मेरे से पीछे, मेरे कंधे पर हाथ लगाया और सबके सामने मुझे बोला, साहब आप ये मत बताओ कि जमींदार मरा कैसे। बोला साहब आप ये मेहरबानी कर दो और हमें बताओ कि जमींदार खान जिया कैसे। तो इतना याद रखना बच्चों, हम सब मरेंगे, ये गारंटी है मेरा, लिख के ले लो, कहीं भी लिख के ले लो, किसी से भी लिख के ले लो, आज तक नहीं मरने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन आप जिंदगी जियो इस तरीके से कि आपके जाने के कई कई सालों बाद लोग बोले कि अगर जीना है तो ऐसे जीना है, तो जमींदार खान बनने की कोशिश करो आप। तो मैं आपको लास्ट में 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूं, या ये सब तो हो गया, अभी सीधा ही चलते आगे। एक प्रेस करो की कोई भी, या
मैं लास्ट पे बिल्कुल लास्ट में चला जाऊंगा, 5 मिनट और लेंगे। अच्छा ये पिक्चर सबको नजर आ रहा है यार, क्या है बोल मैं रहा हूं थक, आप लोग वो पिक्चर नजर आ रहा है। अच्छा तो कहानी कौन बता सकता है इस पिक्चर का, कोई बोल सकता है कहानी? आगे आइए प्लीज, जो बोलना चाहता है। गर्ल्स अब आ रहा हूं, आप पहली बात तो आप इधर देखो, उधर नहीं, टेंशन मत लो, आप ही नजर आओगे स्क्रीन पे, वो देखो पहले तो पिक्चर देख लो आप। अरे पिक्चर देखा ना, देख लो, देख लिया पक्का कहानी? वो बतख है ना, वो फ्रॉग नहीं, हाँ। बतख मुझे पूरा पता नहीं वो क्या बतख है, वो बतख है। पिक्चर देखो और कहानी बोलो। एक बतख है ना, उसको उसने फ्रॉग को खाया है। मेरे को मत बोलो ना, उधर बोलो। एक बतख ने फ्रॉग को खाया है, फिर फ्रॉग उसको मरने के समय भी उस बतख की गर्दन छीन ली, चाहे जो बच जाए फ्रॉग। फ्रॉग ने कोशिश की है कि मैं भी बच जाऊं, इस बतख की नेक को पकड़ लो, गर्दन गर्दन। तो आगे उच्च ये पिक्चर नहीं चलेगा ना, ये पिक्चर में थोड़ा ड्रामा चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, एक हीरो चाहिए, एक विलन चाहिए, एक गाना चाहिए, एक फाइटिंग चाहिए, आगे चाहिए, क्या होता है आप कहानी बताओ ना। एक फिर क्या फायदा है? अच्छा इस कहानी का सार क्या है, आपके कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार यही है कि हमें मरने समय भी कोशिश नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा कौन मरता है आपके कहानी में? वो बतख, फ्रॉग नहीं। वो छोटा इसलिए नहीं, उसकी हिम्मत बड़ी है इसलिए, वो फ्रॉग बड़ा है। और ये तो आप कौन से स्कूल के हो? आर्यन वारोतरिया फ्रॉम खंभालिया। ये स्कूल बहुत खतरनाक स्कूल है, इसमें जाना नहीं है। बिकॉज क्यों? ये कहानी में किसी को मरने का जरूरत नहीं है। कहानी का सार बड़ा सिंपल है, मेरे कहानी में कोई भी नहीं मरता है। थोड़े देर बाद बबूला भी छोड़ देता है और फ्रॉग भी, मेंढक भी छोड़ देता है, लेकिन इसमें एक ही याद रखना है। चलो की दबाओ यार, कोई पढ़ो क्या लिखा है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो आप जीतोगे। सिंपल स्टोरी यही है। चलो लास्ट में चलो, पढ़ो। लीडर को यह सब चीज करना बड़ा जरूरी है। इसमें कई चीज लिखे हैं, आप पढ़ लेना। शाम में जब 1 घंटे बाद मैं यही मिलूंगा, अगर किसी को बात करना है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं इन सब के बारे में। अच्छा आप सबको सब बोलते हैं कि एक प्लान बनाओ, एक तजवीज बनाओ, एक मंजिल खोजो अपने लिए। बात बड़ा सिंपल है, आपने ज्यादा आगे नहीं सोचना है, आप उतना सोचो जितना आप क्या लिखा है, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाइए आप। जब आप वहां तक पहुंचेंगे और आगे देख पाएंगे, फिर वहां तक जाना, वहां जाओ फिर आगे देखो जहां तक, और ऐसे ही जिंदगी का सफर निकलता है। लेकिन अभी यहां बैठ करके आप सोचोगे कि मैं सबसे बड़ा करोड़पति बनूंगा इस दुनिया का, तो नहीं होगा। पहले छोटा कदम और आगे आगे बढ़ाते जाओ उसको।
दो मिनट दो मुझे, एस्केप करते हैं इसको। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या है? खुशी। कितने लोग आप में से सब्जेक्ट खुशी पढ़ते हो? आप इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, गुजराती पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, और कितने लोग खुशी पढ़ते हो? खुशी आपके स्कूल में सब्जेक्ट है? होना चाहिए। सो ये याद रखना, खुशी, अभी खुशी कहां कहां से आता है मैं आपको चार या पांच स्लाइड दिखाऊंगा खुशी के बारे में। अगर आपको खुश रहना है, सबसे पहली बात, आप बाहर मत ढूंढो खुशी को। आपको टीचर नहीं देगा खुशी, आपको प्रिंसिपल नहीं देगा खुशी, आपको पड़ोसी नहीं देगा खुशी। खुशी कहाँ है? अंदर, अंदर की बात है ये तो। अंदर की बात है तो अंदर से आना चाहिए खुशी। सिंपल है, आप मत ढूंढो कि आपको वो उस जगह पर मिलेगा, इस बुक के अंदर मिलेगा, वो टीवी प्रोग्राम में मिलेगा, कहीं भी हो सकता है। आप खुश कहीं भी रह सकते हो, कभी भी रह सकते हो, किसी भी वक्त रह सकते हो। आप में से कई हैं जो बोलेंगे, क्या शिविर में आगे सुबह सुबह उठना पड़ता है 5 बजे? कोई बोलेगा नाश्ता ठीक नहीं मिला है, मैं जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं मिला है। कोई बोलेगा दोपहर में सोने का टाइम नहीं मिला है, खाना खाया या भाग के बिठा दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो आप खुश रह सकते हो, ये चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप आदत से बोलोगे यार आज तो क्या जबरदस्त दिन है, क्या लेक्चर सुनने को मिला है, क्या बातें मैंने सुनी है, आज जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, ये आदत डालो तो आसान हो जाएगा जिंदगी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ग्रेट, ये हमने बात किया ऑलरेडी, एक सीखने लायक सब्जेक्ट है। मेरे सोच में हर स्कूल में, हर पाठशाला में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ा जरूरी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और वो है खुशी। या खुशियां क्या है? संक्रामक है, ये एक बीमारी की तरह फैलता है। आप जितना खुशी फैलाओगे उतना ही और फैलता है। अब ये एक रास्ता है, एक सफर है, ये कोई मंजिल नहीं है कि आप 10 किलोमीटर भागोगे आपको खुशी मिल जाएगी वहां पे। खुशी वो रास्ते में, वो भागने में, उसको बनाने में। खुशियां आपके दिमाग में है, आपके ख्यालों में है। ये एक बड़ा जबरदस्त चीज है खुश होना और दुखी होने में। बातचीत बातचीत, बातचीत बंद। खुशियां
एक जबरदस्त चीज है, आप जितना बांटो उतना बढ़ता है, और दुख उसके ऑपोजिट है। आप जितना आप दुख बांटोगे उतने आपके दुख कम होते जाएंगे। ये दुनिया का उसूल है। तो अगर आप खुश हो किसी चीज पे, किसी और के साथ बांटो। रेड शर्ट, क्या जबरदस्त कमीज है आपका, वेरी गुड। तो बांटो तो लोग हंसेंगे आपके साथ। दो लोग हंसेंगे तो हंसी बढ़ता है और खुशी बढ़ता है। चलो भाई साहब, स्लाइड नेक्स्ट प्लीज। हंसना सबसे सस्ता दवाई है, हर दुकान पे मिलता है, कोई पैसे नहीं लगता इसके। तो भी क्या करेंगे, दो सेकंड के लिए सब दिल खोल के हंसो। लास्ट लास्ट बातचीत नहीं, आपके खुशियों का चाबी किसके पास है? किसके पास? किसके पास? वेरी गुड। फिर तो मेरा यहां आना ही बेस्ट। अगर आप सबको मालूम है और आपके खुशियों का चाबी आपके पास है, तो आपसे आपसे खुशकिस्मत बच्चे इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोगों के लिए जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड। तो ये जो खुशियों का चाबी है, आप सिर्फ अपने पास रखो। अगर अपने पास रखोगे आप, तो होता क्या है कि जो आपको पीटी कराता है सुबह उस्ताद, वो आपको ऐसे लगेगा। जो आपको यहां उस्ताद डांट वांट मारते हैं कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, वो ऐसे लगेंगे। जो आपके स्कूल के टीचर हैं जो आपको डांट मारते हैं, वो आपको ऐसे लगेंगे। और जो पिछले दो घंटे से जो जनरल साहब आपको बोर कर रहे हैं, वो आपको ऐसे लगेगा। तो लास्ट में याद रखिए आप कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कौन हो, आपके पास क्या है और आपके पास कितना है। खुशी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हो। अगर मैं खुश हूं तो कोई वो छीन नहीं सकता, यह याद रखना है आपने। अभी पहले तो आपने जय हिंद बोला था, शामियाना गिरना तो दूर है, साला हिला भी नहीं है। अभी अगर आप जोर से जय हिंद बोलोगे, जितने बल्ब है वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला छोड़ के, बाकी सब फ्यूज होना चाहिए आपके जय हिंद से। तीन बार बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय